खबर अयोध्या से है, जहाँ पर जनपद के ऐतिहासिक चौक घंटाघर के सामने भाई बहन के अटूट बंधन के महापर्व पर पूर्व मेयर पद प्रत्याशी गिरीश वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार सुबोध श्रीवास्तव के नेतृत्व में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी, राहगीरों, ई रिक्शा चालकों, चप्पल सिलने वाले लोगों के जन सामान्य लोगों को छोटी छोटी बच्चियों एवं सामाजिक महिलाओं ने सभी की कलाइयों पर राखी बांधकर मिठाई खिलाई। गिरीश वर्मा ने कहा कि देश की सेवा कर रहे जवानों एवं पुलिस जो ड्यूटी पर तैनात हैं, जो अपने घर पर रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र नहीं बंधवा सकते हैं, आज हम सबके पहल से सभी बहनों के सहयोग से सभी लोगों को राखी बांधकर संदेश देने का कार्य किया गया। इस अवसर पर समाज सेवी गिरीश वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार सुबोध श्रीवास्तव, समाज सेवी बसंत राम, ऋषभ पायल, सूरज प्रांजल, बलराम शर्मा, सीता शर्मा के साथ दर्जनों संख्या में लोग शामिल रहे। रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पर आज हम लोग चौक घंटा घर में एकत्रित हुए हैं। आज के दिन रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाइयों की कलाइयों में बांध कर उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं और भाई भी अपनी बहन के लिए संकल्प करते हैं कि हम आपकी रक्षा करेंगे। रक्षाबंधन का अर्थ है कि राष्ट्र की रक्षा करना, और उस राष्ट्र की रक्षा करना कि जिसके प्रति जो है हमारा कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्र की रक्षा करें। इसके अलावा हमें अपने राष्ट्र की रक्षा भी करनी चाहिए, पर्यावरण की भी रक्षा करना चाहिए और हितों की भी रक्षा करना चाहिए। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पर और हम सभी लोगों ने मिलकर रक्षाबंधन के इस पवित्र त्यौहार को मनाया है। और आज के जिस तरह से आपने राहगीरों और गरीब मजदूर जो होते हैं और पुलिसकर्मी यहाँ पड़ते हैं जो अपने घरों तक नहीं पहुँच पाए, हम उन सभी फौजी भाइयों को और सिपाही भाइयों को सभी को बहुत बहुत सलाम करते हैं कि जो अपना परिवार छोड़कर देश की रक्षा करते हैं और हम लोगों की रक्षा करते हैं, जो हम लोग सुरक्षित रहते हैं, इन्हीं भाइयों की वजह से सुरक्षित रहते हैं। तो इन भाइयों को बहुत बहुत सलाम और देश के सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई और अयोध्या वासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। गिरीश वर्मा, पूर्व मेयर प्रत्याशी, अयोध्या जनपद। अयोध्या से सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।